हे देयर, तो आज हम बात करेंगे फेसबुक के बारे में। क्रिंज इज द करेंसी ऑफ फेसबुक। द ईयर 2010, फेसबुक इज द टॉप सोशल मीडिया साइट इन इंडिया। इंटरनेट बहुत महंगा था, साइबर कैफे में लोग सिर्फ दो काम के लिए जाते थे, एक प्रोजेक्ट के लिए प्रिंटआउट्स निकालना और दूसरा फेसबुक पे अकाउंट बनाना, क्योंकि यूट्यूब तो कभी लोड ही नहीं होता था। अकाउंट बनाना सक्सेसफुल, बहुत बढ़िया। उसके बाद हर एक को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना शुरू होता था, इसको भी इसको भी इसको भी सबको, हाँ 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 हाँ, सबके हीरो वाले बायोडेटास फेसबुक पे ही मिलते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी अचानक एक दिन r/IndianPeopleFacebook parents got onto Facebook। राजू बेटा, मैंने फेसबुक अकाउंट बना लिया। मैंने देखा तुम भी वहां पे हो तो रिक्वेस्ट भेज दिया है, और मैंने देखा तुमने मौसी और चाचा को ऐड नहीं किया है, उन्हें भी ऐड कर लो। हाँ बेटा। अरे नहीं था, सबंद करो। इंडिया के यूजर बेस को इंक्रीज करने के लिए फेसबुक ने काफी कुछ किया है। द इंडियन पेरेंट्स निंजा मूव आर्सेनल जस्ट केप्ट ऑन ग्रोइंग विद एवरी न्यू सोशल मीडिया अकाउंट। दे वर एबल टू गेट इनटू मोर एंड मोर डिटेल्स अबाउट व्हाट देयर किड वाज डूइंग ऑन द इंटरनेट। नॉट एडिंग देम एज फ्रेंड्स मेंट यू कुड नॉट यूज दैट वेबसाइट एनीमोर, स्पेशली मॉम्स। देयर आर पीपल हु वर्क एट FBI would like to know their trade secrets. In 2016, Snapchat became more popular than Facebook for kids and teens. ये एक बहुत ही खराब टाइम था फेसबुक के लिए, वो काफी डर गया था अब वो क्या करेगा। मीम शेयर और वीडियोस के अलावा और वो कर भी क्या सकता है, और स्नैपचैट एक बिलियन डॉलर कंपनी बन गई। पर फेसबुक ने इंस्टाग्राम को कॉपी पेस्ट करने को कहा और फेसबुक वापस से नंबर वन बन गया, और स्नैपचैट ने कुछ कह दिया था गरीबी के बारे में तो वो टाटा हो गया। सो इंस्टाग्राम ने स्नैपचैट के कॉपी कर लिया स्टोरीज वाला फीचर, और वापस से फेसबुक नंबर वन बन गया, क्योंकि फेसबुक हर कंपनी को ओन करता है जिसमें हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। खैर, टिकटॉक आया और चला गया, बच गए। बट द साइट वॉज गेटिंग फिल्ड विद टॉक्सिक पीपल एंड स्कैम्स every day, flat earthers, fake news, anti-vaxxers, people who did not like your political views, who would threaten you and keep messaging you until you had to delete your account. ये सब काफी बढ़ता गया, इसीलिए आजकल के बच्चे फेसबुक कम यूज करते हैं। अकाउंट्स वही हैं। It was just a bad dream. Now I'm back to using something else again. Subscribe.